एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले पापा, आई एम धनंजय। ईएसआईसी एमटीएस फेज वन का रिजल्ट आप सभी का आउट हो चुका है और कट ऑफ आपकी बहुत हाई गई है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था, क्योंकि पेपर आपका बहुत इजी था। लेकिन फिर भी कई कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपकी 160, 165, 168 गई है, बाकी हर जगह 170 प्लस ही आपकी कट ऑफ जो है वो आपकी रही है। अब ऐसे में बात ये आती है कि भाई ईएसआईसी एमटीएस मेंस में आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है, कितना आपको स्कोर करना चाहिए जिससे फाइनली आपका जो मार्क्स है वो कहीं के फाइनल मेरिट में जो आप बनेगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। अब यहां पे मार्क्स की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मार्क्स जो होते हैं वो आपका डिपेंड करता है कि पेपर किस टाइप का आपका आ रहा है। जैसे आपका प्रीलिम्स में आपका एजी पेपर आया था तो आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी हाई गई थी, 170 प्लस आप देख रहे होंगे हर स्टेट्स में। लेकिन अगर मेंस का पेपर जो है वो आपका प्रीलिम्स के तरीके आता है तो आप ओवरऑल ये मान लीजिए कि आपको 170 प्लस स्कोर करना ही करना है। अगर हम बात करें कि अगर जरा से भी अगर मॉडरेट लेवल का अगर आपका आता है तो भी कहीं ना कहीं आपको 160 प्लस स्कोर करना है। हाँ, अगर हार्ड पेपर आता है जो कि अभी तक देखने को नहीं मिला है, यूडीसी में भी आपका नहीं मिला था और स्टेनो में भी नहीं मिला था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो स्कोर है वो 155 के प्लस प्लस आपका होना चाहिए। देखिए, मैंने तीन क्राइटेरिया में आपको बताया हुआ है, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है डबल है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है वो ऑलरेडी आपका स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा। तो अगर एजी आपका पेपर भी आता है तो भी कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है वो आपका फिर भी 61-65 के प्लस होना चाहिए। मोटा मोटा अगर हम आपको ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका जो स्कोर है मेंस का, चाहे आपका पेपर मॉडरेट आए, चाहे इजी आए, चाहे हार्ड आए, वो आपका 155 से 165 के ऊपर आपका हर हाल में स्कोर होना चाहिए। अगर पेपर आपका इजी आता है तो 165 के ऊपर, मॉडरेट आता है तो 165 के अराउंड, और अगर आपका हार्ड आता है तो 155 से 165 के बीच में आपका जो स्कोर है। जनरल कैटेगरी के लिए आपका ये होना चाहिए। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो ओबीसी कैटेगरी के लिए यही स्कोर आपका 150 से 163 के बीच आपका वेरी करेगा। ईडब्ल्यूएस का भी सेम एज कंपेयर टू आपका ओबीसी आपका इक्वली रहेगा। एससी की अगर हम बात करें तो 140 से 155 के बीच में आपका वेरी करेगा। एसटी की अगर हम बात करें 135 से 150 के बीच में आपका एसटी का जो कट ऑफ है, जो सेफ स्कोर है, वो आपका वेरी करेगा। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप सभी पूरा फोकस करिए मॉक टेस्ट में, हर हाल में आप अटेम्प्ट करिए कि आपका जो स्कोर है वो इसी जो मैंने बताया इसी के बीच में ही आपका आना चाहिए, चाहे आपका पेपर इजी हो, मॉडरेट हो या आपका टफ हो। बाकी पेपर का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका मॉडरेट लेवल का रहने वाला है, और साथ ही जो इस बार स्कोर है वो कहीं ना कहीं आपका जो कैंडिडेट्स है वो मे बी हो सकता है कि हाई करें, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो मेंस का जो पैटर्न है वो प्रीलिम्स से काफी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज जो है वो आपकी डबल हो गई है। बाकी इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी जॉइनिंग मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ओके।